हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने साइंस का पार्ट टू लेकर आई हूं। यहां गलती से पार्ट वन लिखा हुआ है, ये पार्ट टू है। पार्ट वन मैं आपको पहले ही करा चुकी हूं। तो आज हम देखेंगे साइंस के सुपर 30 जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्ज़ाम में आ सकते हैं आगे। इसीलिए आप फटाफट रिवीजन कीजिए इसमें अपने सिलेबस का। आपने जो आज तक थ्योरी पढ़ी है उसका रिवीजन आज आप कीजिए हमारे साथ सुपर 30 में। हमारे चैनल पे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 4, हिस्ट्री, हिंदी और भी काफ़ी सब्जेक्ट्स की सीरीज चलाई जा रही है। तो आप एक बार हमारे चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए और उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फटाफट शुरू करते हैं अपने साइंस का पार्ट टू। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी का तेल लार्वा को सांस लेने में बाधा डालता है। मतलब आपने नालियों में देखा होगा, ज़्यादा जो एमसीडीज के हैं वो मिट्टी का तेल डाल देते हैं उसमें, ताकि मच्छर के जो लार्वा होता है, जो मच्छर के जो अंडे टाइप में होते हैं, वो सांस ना ले पाएँ और नए मच्छर पैदा ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल द्वारा सौर ऊर्जा का रूपांतरण करके किसका उत्पादन किया जाता है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। किसी घड़े की घंटी की सुई और मिनट की सुई एक दिन में कितनी बार परस्पर समकोण पर होती है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण, ऐसे इस टाइप में कितनी बार होती है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये आप अगर आपको नहीं आ रहा तो एट ए टाइम आपके पास टाइम है तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आंसर बता देती हूँ, 48 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ते हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों बहने लगती है। क्योंकि जो हवा में उस समय कम वायुमंडलीय दाब होता है, इस कारण से स्याही बाहर बहने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो -273 डिग्री सेल्सियस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। यदि पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका आयतन पहले घटेगा और उसके बाद बढ़ेगा। मीन्स 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक, 4 मैंने आपको एक लिमिट बता दी है, 4 तक आयतन पहले यहाँ पर घटता है और 4 के बाद 10 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ आयतन बढ़ेगा। मतलब कि 0 से 4 तक जब हम गर्म करते हैं तो आयतन हमेशा पानी का घटता है, उसके बाद आप कितने भी डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें पानी का आयतन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 4 इसकी एक लिमिट होती है, लाइन होती है। आगे बात करते हैं, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में भी दिया था और ये एग्ज़ाम्स में आया हुआ है पहले, तो इसीलिए मैंने इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। आप इसका एग्ज़ाम, ये जो इसका आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई जहाज डूब जाता है या फिर कोई पनडुब्बी डूब जाती है, इस टाइप में कोई घटना होती है तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। ये क्वेश्चन आपकी जो आपने अपने स्कूल्स में बुक्स में पढ़ा होगा उसमें से है ये क्वेश्चन, तो ये आपको आता ही होगा। ये सिद्धांत है आर्किमिडीज का सिद्धांत। नेक्स्ट, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है किंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन इंक्लूड है कि चट्टानों की आयु कैसे ज्ञात की जाती है। तो चट्टानों की आयु रेडियो एक्टिव आयु अंकन द्वारा ज्ञात की जाती है और इसमें यूरेनियम समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि इसका यूज किया जाता है। भारत में हाथियों की संख्या सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। तो भारत में हाथियों की संख्या सबसे अधिक कांजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कांजीरंगा नेशनल पार्क किस स्टेट में सिचुएटेड है। ये आपका आज का क्वेश्चन हो गया, होमवर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं,
विद्युत घनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अवकरण। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की ऊर्जा मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। खाना पकाने में उपयोग किया जाने वाला गैस एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा। यूपीपीसीएस एमपीपीएससीएस में करीब 50% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं लास्ट ईयर के, और ये जो क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ काफ़ी सारे एग्जाम में आ चुके हैं, तो इसीलिए आप प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये है लोहा। आपके लिए आज का तीसरा क्वेश्चन जो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि पहला पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा धातु कौन सा है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज आपका तीसरा क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में शैवालों का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। जंतुओं में होने वाले फुट और माउथ रोग, ये जो जंतुओं में होते हैं, ये किस कारण होते हैं? तो ये विषाणुओं के कारण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वनस्पति जगत में किसे जल स्थलचर या उभयचर कहा जाता है? जल स्तर का मतलब होता है कि जो जंतु, सॉरी वनस्पति यहाँ कहा गया है, तो जो वनस्पति जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है जल स्थलचर। तो इसे कहते हैं ब्रायोफाइटा। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी, इन्हें सहजीवी कहा जाता है। कौन से पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इस हार्मोन का नाम है एब्सिसिक एसिड। किस विटामिन का रासायनिक नाम थायमिन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो विटामिन B1 का नाम थायमिन है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में अधिक क्यों होती है? क्योंकि सर्दियों में शरीर का ताप स्थिर रखना होता है, बाहर बहुत ठंड होती है, इसीलिए शरीर के टेम्परेचर को स्थिर रखने के लिए कैलोरी ज़्यादा यूज़ की जाती है शरीर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? तो भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय अभयारण्य है जिम कॉर्बेट अभयारण्य या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये क्वेश्चन, इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि ये है उत्तराखंड स्टेट में, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको सिचुएटेड किया गया था, ये बनाया गया था। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम है जो पोषक वाहक का कार्य करता है, मतलब कि पौधों में खाना पहुंचाने का कार्य, पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य फ्लोएम करता है, और जल पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। मनुष्य में कालाजार रोग फैलाने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो कालाजार एक रोग होता है, उसको फैलाने वाले हैं सैंड फ्लाई। एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है कौन सा है? तो उसे कहते हैं गुंजन पक्षी। मच्छरों के नियंत्रण के लिए किस कीट भक्षी मछली का उपयोग किया जाता है? तो एक गैम्बूसिया मछली है जिसका मच्छरों के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये अस्थि मज्जा के द्वारा लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किया जाता है। EEG का प्रयोग शरीर के किस अंग की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो आज का आपका फोर्थ क्वेश्चन होमवर्क का EEG की फुल फॉर्म बताइए। अगर आप लोग सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे तो बिना गूगल किए मुझे इन चारों क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ EEG के प्रयोग से मस्तिष्क की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के सुपर 30 यहीं ख़त्म हुए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।